हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं एक बार फिर से आपका शोर सक्सेस एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए हम जो महत्वपूर्ण टॉपिक देख रहे हैं ट्रिक के साथ और आसान भाषा में, तो जैसा कि अगर आप इस वीडियो पे नए व्यूवर्स हैं तो आप पुराने सारे वीडियोज़ इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देख लें, जहां मैंने पुराने सारे वीडियो की लिंक दी हुई है। साथ ही आप अगर हमसे परमानेंट रूप से जुड़ना चाहते हैं तो शोर सक्सेस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए बना रखी है जहां पे आपको एमपीजी के, मैथ्स, हिंदी और रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक मिलेंगे। वहाँ से आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप लाइक करिए, क्योंकि जितने ज़्यादा आप लाइक करेंगे उतने ज़्यादा जो है एनर्जी मुझे मिलेगी, उतना मोटिवेशन मुझे मिलेगा और मैं और अच्छे और आसान भाषा में ट्रिक के साथ वीडियो आप तक पहुंचा पाऊंगा। चलिए, तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है, पार्ट वन, उसमें हमने 12 मुख्य न्यायाधीश देखे थे, टोटल 25 है। तो इस वीडियो में हम पार्ट टू में बाकी बचे हुए 13 जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 13वां जो हमारा हाई कोर्ट है उसका नाम है झारखंड उच्च न्यायालय, और झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है डॉक्टर रवि रंजन। ठीक है, तो हम ट्रिक कैसे बनाते हैं कि आपको अलग से कुछ याद नहीं रखना पड़े, इन दोनों को कोरिलेट करते हैं अपन। देखिए, झाड़ काटने के लिए रविवार को चलेंगे, झाड़ यानी कि पेड़, पेड़ यानी कि झाड़, झाड़ काटने के लिए रविवार को चलेंगे। तो झाड़ से हो गया झारखंड उच्च न्यायालय, और रविवार को चलेंगे इससे हो गया आपका रवि रंजन। चलिए, 14वां जो हमारा हाईकोर्ट है उच्च न्यायालय, उसका नाम है मणिपुर उच्च न्यायालय, और इसके जो मुख्य न्यायाधीश है वो है रामलिंगम सुधाकर, रामलिंगम सुधाकर। तो देखिए ध्यान से, राम जी मेरी सुध लो मणि दो, राम जी मेरी सुध लो मणि दो। तो देखिए, राम जी भगवान नाम से बोला जा रहा है कि मैं बड़ा परेशान हो चुका हूँ, मेरी खबर लो, कुछ तो खबर लो, मैं आपकी पूजा करता हूँ लेकिन आप मुझे मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, मैं आपके यहाँ रोज़ मंदिर में जाता हूँ लेकिन आप मेरी सुध ही नहीं ले रहे हैं। तो राम जी मेरी सुध लो, मुझे मणि दो, अब मुझे छोटी मोटी विश नहीं चाहिए, मणि चाहिए। दोस्तों, मणि वही है जो नाग नागिन के पास, अपने पुरानी बॉलीवुड मूवी में देखी होगी कि सपेरा उसको हासिल करने की कोशिश करता है, और मणि अगर आपके पास आ जाए तो आप अपनी हर विश, हर इच्छा को पूरी कर सकते हो। ठीक है, तो मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है रामलिंगम सुधाकर, राम जी मेरी सुध लो मुझे मणि दो। आगे बात करते हैं उड़ीसा उच्च न्यायालय, उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है मोहम्मद रफ़ीक। तो इसकी ट्रिक है, उड़ते हैं मोहब्बत में और रफ़ एंड टफ रहते हैं। तो मोहम्मद को मैंने मोहब्बत से कर दिया, उड़ीसा को उड़ने से कर दिया, और रफ़ीक को रफ़ एंड टफ से। जो प्यार मोहब्बत करता है ना, जो प्यार मोहब्बत करता है वो उड़ी में ज़्यादा रहता है, उड़ी में ज़्यादा मतलब रफ़ एंड टफ रहेगा, है ना, हमेशा नए कपड़े पहने रहेगा, और बाइक उसके पास रहेगी, पैसा उसके पास रहेगा, फैशनेबल जो स्पेक्टेकल्स उसके, चश्मा उसके पास रहेगा, तो वो सारी चीज़ें वो रहती है। तो उड़ता है मोहब्बत में, वो रफ़ एंड टफ़ रहता है। ठीक है, अगला जो मुख्य न्यायाधीश है हमारा उच्च न्यायालय का, वो है पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश संजय करोल। तो देखिए, पटना को अगर ट को आप थोड़ा सा घुमा दें तो अड़ा हो जाएगा, तो हो जाएगा पढ़ना, और केरोल का मतलब क्या रोल, तो पढ़ने का के रोल है भाई, है ना। आपने गांव में किसी को जाके जो है बोला कि यार अपने बच्चों को पढ़ाओ, यार तुम पढ़ाओगे नहीं तो बहुत नुकसान होगा, तो वो जो गांव वाले लोग हैं वो पढ़ने को केवल क्या मानते हैं कि नौकरी, और वो भी सरकारी, कि हम बच्चे या बच्ची को पढ़ने भेज रहे हैं तो उनकी सरकारी नौकरी लगेगी, लेकिन उन्हें नहीं पता नहीं कि पढ़ना केवल नौकरी से रिलेटेड नहीं है, पढ़ने से आप जो है आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। और पहला फ़ायदा ये है कि आप अपना जीवन सही तरीके से, सभ्य तरीके से जीने लग जाते हैं, सोसाइटी में रहने के लिए काबिल बन जाते हैं, वरना हम में और पशुओं में क्या अंतर है। तो पटना उच्च न्यायालय के हैं संजय के रोल, तो पढ़ने का के रोल है भाई, संजय भाई पढ़ने का के रोल है, हमें तो नौकरी नहीं करवाई, हम तो नहीं पढ़वाएंगे। मुंबई उच्च न्यायालय के हैं दीपंकर दत्ता। तो देखिए, मुंबई में आ रहा है बई, बई बई मम्मी को बोला जाता है गांव में, जो है ना, जो मालवा का क्षेत्र में बई बोलते हैं, कई जगह आपने देखना मम्मी को बई, बई खाना दे दो, बई कहाँ जा रही हो, है ना, तो बई। और दीपंकर में दीप आता है, तो बई दीपक लगाती है, बई दीपक लगाती है, भाई घर में माता जी तो रहती है जो दीपक चिराग वगैरह लगाती है ना, बच्चे लगाते नहीं, पिताजी को समय नहीं मिलता, तो ये घर का काम है दीपक लगाना, तो बई लगाती है, नहीं कि मम्मी लगाती है। सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है ए के गोस्वामी। तो देखिए, ए के को जोड़ लीजिए एक, वैसे तो एक की स्पेलिंग ई के होती है, लेकिन आप थोड़ा सा समझिए, एक एक सिक्का दे दो गो माता के नाम पर, तो
एक से हो गया एके, सिक्का से हो गया सिक्किम, और गौ माता के नाम पर और गोस्वामी, है ना। गाय को गौ माता माना जाता है हमारे देश में, माता की तरह पूजा जाता है। तो सिक्किम उच्च न्यायालय, एके गोस्वामी, एक सिक्का दे दो गौ माता के नाम पर। अगला जो है हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, लिंगप्पा नारायण स्वामी। अब देखिए हिमाचल को आप पढ़िए हिमालय से, हिमालय पर चढ़ने के बाद आप डर रहे हो और बोल रहे हो हे नारायण, हे स्वामी, हे लिंगप्पा, हे महाकाल, मुझे नीचे उतार दो। जनरली ऊपर चढ़ना आसान होता है क्योंकि जब हम ऊपर चढ़ते हैं चढ़ाई पे तो हम केवल सीढ़ियों को देखते हैं, लेकिन जब ऊपर पहुंचने के बाद नीचे का दृश्य देखते हैं तो बड़ा डरावना विहंगम दृश्य हो जाता है। वहाँ पे आपको छोटे छोटे मकान दिखते हैं, इंसान तो दिखते ही नहीं है आपको, कीड़े मकोड़ों की तरह दिखते हैं। तो व्यक्ति हिमालय पर चढ़ गया, अब उतर रहा है तो भगवान कहते हैं हे नारायण, हे स्वामी, हे लिंगप्पा, मुझे नीचे उतार दो, तुम्हें मिठाई चढ़ाऊँगा, है ना। चलिए जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय, गीता मित्तल। देखिए अभी आपने सुना होगा जम्मू कश्मीर से 370 धारा हट गई और पूरी तरीके से भारत में वो आ गया है। तो जम्मू कश्मीर हमें मिल गया, मतलब गीता मिल गई। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, हम कभी से मानते थे, हमारा उद्देश्य भी था कि जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाया जाए। तो गीता हिंदू धर्म में बहुत पवित्र स्थान है, इसी प्रकार से भारत का कोई अगर स्थान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो वो जम्मू कश्मीर है। तो कश्मीर में गीता मिल गई, कश्मीर मिल गया मतलब हमें क्या मिल गया, गीता मिल गई, ठीक है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय, गोविंद माथुर। तो देखिए इसे कैसे याद रखें, गोविंदा बहुत दिनों बाद इलाहाबाद आए। गोविंदा जो अपने देखे होंगे सेलिब्रिटी एक्टर है, बहुत नाम कमाए उन्होंने पिक्चरों में, बहुत काफ़ी समय से पिक्चर में थे और अभी भी आ रहे हैं। तो गोविंदा बहुत दिनों बाद इलाहाबाद आए, तो गोविंदा, तो गोविंदा, गोविंदा से गोविंद और इलाहाबाद से इलाहाबाद उच्च न्यायालय। हरियाणा एंड पंजाब उच्च न्यायालय, ये है रविशंकर झा। तो देखिए रवि हरियाणा से हर और पंजाब से जॉब, रवि हर जॉब कर चुका है, रवि हर जॉब कर चुका है, हर नौकरी कर चुका है रवि, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा रवि। तो रविशंकर झा, रवि हर जॉब, तो हरियाणा और पंजाब, रवि हर जॉब कर चुका है। अगला है उत्तराखंड उच्च न्यायालय, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन, ठीक है। तो रमेश को आप पढ़िए रेशम, रेशम का रंग खंड खंड हो गया लेकिन उतरा नहीं, रेशम का रंग खंड खंड हो गया लेकिन उतरा नहीं, रेशम में जो रंग चढ़ा हुआ था वो टुकड़े टुकड़े हो गया लेकिन उतरा नहीं, इतना पक्का था। अब आखिरी दो है उत्तराखंड उच्च न्यायालय और सॉरी त्रिपुरा उच्च न्यायालय, इसके मुख्य न्यायाधीश है अब्दुल हामिद कुरैशी, और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, इसके मुख्य न्यायाधीश है अजय कुमार मित्तल। दोनों जगह हमने फिल इन द ब्लैंक्स रखा है, खाली स्थान रखा है। आपको कमेंट करके जल्दी से बताना है कि जिस प्रकार से मैंने ट्रिक बनाई है उसे कैसे रिलेट करेंगे। और याद रखिए अजय कुमार मित्तल में अजय लांबा गुवाहाटी के थे, तो वहाँ लिंक, वहाँ जो ट्रिक है उसकी ट्रिक गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, लगभग 8 मिनट का ये वीडियो है, छोटा सा वीडियो है, पूरा देखिएगा और देखने के बाद उत्तर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।